गन्ना सोसाइटी के डायरेक्टर हैं और समाजवादी पार्टी के नेता। 6 तारीख की शाम को ये रेलवे क्रॉसिंग पे एक मोटरसाइकिल वाला जो धर्मपाल गंगवार नाम से कोई प्रकार से टच हो गया। कार इनकी थी? नहीं, कार इनकी थी, कार इनकी थी, उसकी मोटरसाइकिल आके इनकी में लड़ गई एक तरीके से। तो वहाँ पर बात आई गई होगी अपने घर चले। जब ये घर पहुँचे उसके थोड़ी देर बाद 100-125 आदमी इनके घर पे चढ़ाई करते हैं। जैसे तैसे ये अपने घर इन्होंने नीचे बंद करा, छत पे चढ़ गए और बच्चों को भी एक कमरे में बंद कर दिया। मोहल्ले के लोग आ गए, वहाँ से जैसे जैसे उन्हें हटाया। उसके बाद ये गए, इन्होंने जो कानूनी प्रक्रिया होती है इन्होंने अपना तहरीर थाने में दिया। इस बीच में वो मुकदमा तो नहीं लिखा गया, लेकिन जब से लेकर कल से पहले तक इन पर दबाव बनाते रहे बहेड़ी के इंस्पेक्टर और बहेड़ी चौकी इंचार्ज कि तुम राजीनामा करो और नहीं तो तुम्हें मुकदमा लिखा जाएगा। और बीजेपी के नेता लोग भी इन पर दबाव बनाते रहे, ये राजीनामा करने को भी तैयार। जिन लोगों ने जो भी शर्त रखी ये हर शर्त मानने को तैयार, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग इनसे कहते थे राजीनामा कर लो, जब ये कहते थे ठीक है आप जानो, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने ये कहा कि मेरे पेट्रोल पंप पे बैठ के कर लो, तब भी उन लोगों ने मना कर दिया। और उसके बाद कल इन्हें आज पता लगा कि कल इनके खिलाफ संगीन धाराओं में एक मुकदमा लिख दिया गया फर्जी, 279, 337, 392 और 506। हमारा कहना यह है कि आज तक इनकी इन्होंने जो तहरीर दी थी उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि इनके खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया। बहेड़ी का थाना भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। और हम अधिकारियों से भी कहना चाहते हैं कि सरकार आनी जानी चीज़ है, जायज़ काम करें तो ईश्वर भी उनकी मदद करेगा और नाजायज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें भी नुकसान होगा, क्योंकि सब कुछ अल्लाह ईश्वर देख रहा है। लाभ क्योंकि पूरे प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न हो रहा है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये फर्जी मुकदमा भाजपा के नेताओं ने इसलिए लिखाया है कि एक आतंक फैल सके बहेड़ी इलाके में और धन उगाही इस आतंक फैलाकर धन उगाही करें, जिस तरह से बहेड़ी में धन उगाही कर रहे हैं बुरी तरह से। जो भी छोटे मोटे व्यापारी चाहे कबाड़ी हों उनसे भी महीने दिए जा रहे हैं, सट्टा जो बंद हो गया था सटोरियों से ही महीने लिए जाते हैं, यहाँ तक के बस यूनियनों से भी महीने लिए जा रहे हैं।